कौन लौड़े लग गए अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अबासित अली है। कराची में पिछले कुछ दिनों से अफरा तफरी मची हुई है, पूरी है जो है वो कराची के अंदर और पूरे कासूर पाकिस्तान के अंदर, कि एक लड़की है जिसका नाम है दुआ तेरा कसमी, जो कि अलफला के इलाके में रहती है। पिछले कुछ दिनों से वो अपने घर से जो है लापता हो गई है। उसकी रीज़न ये है कि उसके जो वालदैन है वो ये कहते हैं कि जो है वो लड़की इनके दुआ तेरा कसमी जो है वो कचरा फेंकने गई थी बाहर, तो कचरा फेंकने के साथ ही वो गायब हो गई, यानी कि वो अगवा हो गई। तो पुलिस ने, कराची पुलिस ने इसके जो है वो तफ्तीश किया, उसको सीसीटीवी कैमरा से पता चला, सीसीटीवी कैमरा से, कि एक लड़की है जो कि अपनी मर्जी से जा रही है। तो जब उन्होंने एक बयान दिया कि लड़की जो है वो अगवा नहीं हुई बल्कि वो अपनी मर्जी से गई है, तो ये मसला बन गया। क्योंकि जब ये वीडियो जो है वो घरवालों को दिखाया गया, वालदेन को, तो उन्होंने मना कर दिया कि ये जो लड़की है ये दुआ ज़ेरा कासमी इनकी हमारी बेटी नहीं है। लेकिन जब अहले मोहल्ला को दिखाया गया, इनके जो है पड़ोसियों को दिखाया गया, तो पड़ोसियों ने कहा कि बिल्कुल ये लड़की वही है। लेकिन जो सोशल मीडिया पर, ट्विटर चलो फेसबुक इंस्टा सब जगहों पर जो है वो एक वावेला मचा हुआ था। तो इस वावेला के अंदर जो है उस बेचारे जो है वो एस एच ओ को मुअत्तल कर दिया, तो एस एच ओ का नौकरी तैयार हो गया। फिर बाद में जो है वो एक जैसे कहते हैं जफर अब्बास साहब जो है वो जो जे डी सी के फाउंडर हैं, जे डी सी के बड़े, उन्होंने जो है वो एक बहुत ही एक जज्बाती बयान दिया था कि ये देखो हमारी जो है वो एक लड़की है, उसको गायब कर दिया गया, ये कर दिया वो कर दिया, हुआ हो गया। बिशन रखमानी बार बार वीडियो बना रहे हैं, कल से आपके सामने दुआ नाम है इस बच्ची का, 7वीं क्लास में, 14 साल उम्र है, घर से नीचे उतरी थी कूड़ा फेंकने के लिए, उसके वालिद आए। मैं मसला सुन ले, ये वीडियो सिर्फ उनके लिए बना रहा हूँ जिनके घर में बेटियां बहनें औलादें हैं, जो इस दर्द को समझते हैं कि खुदा न खास्ता किसी की जवान बेटी या 14 साल की बच्ची के ऊपर मुसीबत आ जाए तो क्या गुजरती है उनके दिलों पर। उनके वालिद बैठे अली साहब, ये रही FIR जो कटवाए हुए, आज इनको 3 दिन हो चुके हैं, 3 दिन हो चुके हैं गली के अंदर, 5 से 6 कैमरे लगे हुए, 5 से 6 कैमरे लगे हुए, लेकिन कोई उन कैमरों की रिकॉर्डिंग ही नहीं ले पा रहा। फिर इसके बाद ये जो वालदैन ने दुआ ज़ेरा कसमी की, मुख्तलिफ जो है वो रमजान ट्रांसमिशन में गए और रोना धोना स्टार्ट, सारा कुछ जो चल रहा था पूरा एक सीन पार्ट, तो उन्होंने एक ट्रांसमिशन में ये भी कहा कि जब हमारी बेटी गायब हो गई तो हमने जो है वो ऐलान करवाने के लिए एक मस्जिद में गए, तो उस मस्जिद वालों ने ये कहा कि हम जो है वो इस लड़की का जो है वो अब इनके ऐलान नहीं करेंगे, क्योंकि इसका नाम जो है वो एल तशी के नाम से जुड़ा हुआ है। एजेंसी जब कोई गुम होता है यही करना होता है ना भाई, मैं आपको पहले दिन से बोल रहा हूँ, मैं पहले दिन जिस दिन बच्ची को ही मैं मस्जिदों में जा के ऐलान करवाने की वो करता। क्या ऐलान हुआ मस्जिद से? हुआ ही नहीं, उन्होंने कहा इन नामों का तो हम ऐलान ही नहीं करते। मैंने बोला भाई अस्पतालों की इमरजेंसियां देख लो, मस्जिद वाले नहीं कर रहे ऐलान, कोई बात नहीं, आप अस्पतालों की इमरजेंसियां देख लो। यानी कि आप अंदाजा लगाओ एक ट्रांसमिशन में बैठकर एक मजहबी मुनाफरत फैलाया जा रहा है कि एक एल तशी का जो है वो लड़की का जो है वो नाम ऐलान हम नहीं करेंगे, क्योंकि वो एक एल तशी है और ये जो मस्जिद है ये अहले सुन्नत का। मैं जो है वो अपनी पूरी जिंदगी में अहले सुन्नत भी, मैं खुद अहले सुन्नत में हूँ लेकिन एल तशी दोस्त खत भी रहा हूँ, लेकिन मैंने आज तक ये सीन नहीं देखा, चाहे मस्जिद एल तशी वालों का हो या एल सुन्नत वालों का हो, ऐलान के लिए कभी भी ये मजहबी जो है वो ये मुनाफरत कभी भी हमारे कराची में खासतौर पर ये नहीं हुआ है। लेकिन जिस तरीके से ये फैलाने की कोशिश किया गया, वो जफर अब्बास साहब ये जो है वो इनके जो है वो टॉप पर हैं इस चीज़ में, तो उनको भी ये इस बात पे मजम्मत करनी चाहिए कि जिस तरीके से उन्होंने तफरकाबाजी फैलाने की कोशिश की। अब आते हैं पॉइंट पर। 25 अप्रैल 2022 को जो है वो एक लाहौर से एक निकाहनामा जो है वो वायरल होता है, जिसमें दुआ ज़ेरा कसमी का नाम होता है और उसके नीचे वो उम्र लिखा होता है 18 साल, जबकि इनके वालदे ने कहा था कि मेरी बच्ची की उम्र है 14 साल। पहला झूठ, 18 साल की उम्र में बच्ची जो है वो अपने वो कह रही है, उसका जो निकाहनामा बरामद हुआ शब्बीर अहमद के नाम से। फिर उसके बाद जो है वो कुछ टाइम के बाद उसके जो वालदे ने कहा कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, हमारे बच्ची तक गायब है, वो खुद अपनी तरफ से नहीं गई है, उसको अगवा किया गया। लेकिन जैसे ही कुछ टाइम और गुजरा तो उसके बाद एक क्लियर पिक्चर आ गया कि एक जो लड़की है दुआ ज़ेरा कसमी, उसने जो है वो एक वीडियो बयान दिया कि मैं 18 साल की हूँ, मैं अपनी मर्जी से शब्बीर अहमद के साथ लाहौर पे आई हूँ, मैंने खुद अपनी मर्जी से कोर्ट मैरिज किया है और हमारे जो मेरे जो वालदैन है वो मुझे ज़बरदस्ती किसी और के साथ शादी करवाना के लिए जो है वो जा रहे थे, लेकिन मैंने मना किया, मैंने अपनी मर्जी से शादी किया है, वो मुझे मारते थे, यानी कि मेरे वालदैन मुझे मारते थे। मेरा नाम दुआ ज़ेरा कसमी है, मैंने अपनी मर्जी से ज़हीर अहमद से शादी की है, मेरे घर वाले ज़बरदस्ती मेरी शादी किसी और से करवाना चाह रहे थे, मुझे मारते थे, जिस पर मैं राजी नहीं हूँ। मैं अपनी मर्जी से अपने घर से आई हूँ, मुझे किसी ने अगवा नहीं किया था,
मैं अपने घर से कोई कीमती सामान नहीं लाई थी। मेरे घर वाले मेरी उम्र गलत बता रहे हैं, मैं बालिग हूँ, मेरी उम्र 18 साल है। मैंने अपनी मर्जी से जहीर अहमद से कोर्ट मैरिज की है, किसी की कोई जोर जबरदस्ती नहीं है। खुदारा मुझे तंग ना किया जाए, मैं अपने घर में अपने शौहर के साथ बहुत खुश हूँ। अभी हम आते हैं इसके जो है मुहरकात पर, आकर ऐसा हुआ। ये तो एक केस था 2013 आदमी का, इसके अलावा भी बहुत से केस हैं जो कि नजर ही नहीं आते, मतलब वो शो ही नहीं होते। इसकी रीजन ये है कि जब एक बच्ची को उनके वालदैन या उनके बहन भाई जो है गिफ्ट देते हैं, कौन सा गिफ्ट? मोबाइल फोन का गिफ्ट। ये मोबाइल फोन एक जहर है जो कि बच्चे को देते हैं, फिर वो बच्ची जो है वो सोशल मीडिया इस्तेमाल करती है, फेसबुक, इंस्टाग्राम, पबजी हो गया या टिकटॉक, स्नैप, मुख्तलिफ किस्म का जो ऐप्स हैं वो इस्तेमाल करती है, व्हाट्सएप हो गया। जब वो इस्तेमाल करती है तो उसके वालदैन का ये फ़र्ज बनता है कि वो बच्चे को, बच्ची को देखें कि आखिर वो उस चीज़ के अंदर वो क्या इस्तेमाल कर रहा है। उनको पता नहीं होता, ठीक है, और ये कह रहे होते हैं कि चलो कह रहे मेरी बच्ची है वो गेम खेल रही होगी, अपने सहेलियों से, फ्रेंड से बात कर रही होगी, ठीक है ना, वो अपना टाइम पास कर रही होगी। उसको नहीं पता कि वो जो है वो किसी और तरफ, यानी कि वो सीधे तरफ नहीं, रॉन्ग टर्म उसने ले लिया, वो रॉन्ग टर्म पे जा रही है। जब वो रॉन्ग टर्म में चली जाती है वो लड़की, तो उसके बाद वो पानी जो है सब हो जाता है। जब फिर वो यही होता है जो बहुत जेरा आदमी के साथ हुआ, इसके अलावा बहुत से लोग उनके साथ भी यही होता है। मतलब ये है कि जो वादे ना, उनको ये समझना चाहिए अगर मैं बच्ची को अपने एक मोबाइल फ़ोन दे रहा हूँ गिफ्ट, तो मैं हर दिन चेक करूँ कि मेरी बच्ची किसके साथ बात कर रही है, फेसबुक पर कौन सा चीज़ सर्च कर रही है, गूगल पे क्या सर्च कर रही है, गूगल पे क्या चीज़ देख रही है। ये जिम्मेदारी बनती है उस वालदैन की, क्योंकि बाद में पछताने का कोई फ़ायदा नहीं। अभी 2000 कासिम के जो वालदैन है, ये किस मुंह से आएंगे मीडिया के ऊपर, ये जफर अब्बास किस मुंह से आएगा मीडिया के ऊपर बात करने के लिए? वो बच्ची अपनी मर्जी से गई है, ठीक है, वो कानून के मुताबिक तो वो सही किया उसने, वो बात भी जैसे भी की उसने, शादी किया हुआ है, अब निकाह कर दिया उसने, अब तो कोई भी इसको जो है रोक नहीं सकता, कोई भी इसके ऊपर उंगली नहीं उठा सकता।